चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ करंट कैरिंग सोलेनोइड इज अप्रोचिंग अ कंडक्टिंग लूप, ये लूप है और ये सोलेनोइड है, ठीक है, शोन इन द फिगर, वो नजदीक आ रहा है, इधर वी वेलोसिटी चल रहा है। द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट एज ऑब्जर्व इन द ऑब्जर्वर ऑन द अदर साइड ऑफ द लूप। तो सबसे पहले देखो कि इस ऑब्जर्वर के हिसाब से ये सोलेनोइड में करंट की डायरेक्शन क्या बोलेगा, वो एंटी क्लॉकवाइज, करंट एंटी क्लॉकवाइज इस सोलेनोइड में चल रही है, इस सोलेनोइड के अंदर एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर नॉर्थ पोल होगा, इधर साउथ पोल होगा, तो इस ऑब्जर्वर को नॉर्थ पोल दिख रहा है, ठीक है। तो नॉर्थ पोल अगर कोई बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल अगर नजदीक आ रहा है सोलेनोइड क्वाइल के, सर्कुलर क्वाइल के, तो इधर भी नॉर्थ पोल बनता है, इधर साउथ पोल बनता है, करेक्ट है। तो अगर ऑब्जर्वर यहां खड़ा है और ये अप्रोच कर रहा है वी वेलोसिटी से, नॉर्थ पोल अगर अप्रोच कर रहा है, क्योंकि सोलेनोइड के अकॉर्डिंग ऑब्जर्वर के हिसाब से नॉर्थ पोल इधर बन रहा है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन देखो, आउटर पोर्शन में नीचे की तरफ, इनर में ऊपर की तरफ, तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल नजदीक आएगा तो कॉइल के अंदर नॉर्थ पोल बनाएगा, उस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल बनेगा, इधर इधर से साउथ पोल, तो ऑब्जर्वर को इधर कौन सा डायरेक्शन दिखेगा, साउथ पोल का मतलब क्लॉकवाइज। अगर ऑब्जर्वर यहां होता, इधर होता, तो उसको एंटी क्लॉकवाइज दिखता करंट की डायरेक्शन, ये ध्यान रखो, ये पॉइंट दिमाग में बैठा हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।